बेटमा पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनको 6 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। उनको पूछताछ के लिए जेल भेज दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी राहुल, अशोक और राकेश को पकड़कर कड़ी पूछताछ कर तलाशी ली। उसके पास से 6 मोबाइल, एक हथौड़ी, लोहे की रॉड और डंडा मिला। बेटमा पुलिस ने तीनों आरोपियों को बेटमा थाने लाकर पूछताछ की। आरोपी धार जिले के बगदून थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नाइट गश्त में सूचना मिली कि धर्मगुंज कॉलोनी शिव मंदिर के पास बनी दीवार के किनारे कुछ लोग टॉर्च चलाकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु धर्मगुंज कॉलोनी शिव मंदिर के पास पहुंचा, जहां पर पास में पहुंचते हुए सुनते कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि सागरकुटी देसी कलाली के पास एक मोबाइल की दुकान है, उसका ताला तोड़ के मोबाइल चुराना है। उनको घेराबंदी कर पकड़ा ना। इनसे एक के हाथ में टामी पाई गई तथा एक हथौड़ी और साथ साथ एक लठ भी पाया गया इनके हाथ से। इनसे सख्ती से पूछताछ करके एक ने अपना नाम राहुल बताया, दूसरे ने अपना नाम अशोक और तीसरे ने अपना नाम राकेश बताया तथा इनके पास से प्रत्येक व्यक्ति के पास से 2-2 मोबाइल जब्त किए गए। इन संबंध में इनसे बिल पूछते तो इन्होंने बताया कि मेरे पास कोई बिल नहीं है, अपने ये मोबाइल भी इनके जब्त किए गए हैं और इनसे पूछताछ चाहिए। आरोपी मंडल आपदा के हैं, थाना बगदून लगता है और इसमें इनके पुराने भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं, इस प्रकार की कई घटनाएं कर चुके हैं। पूछताछ जारी है, आगे बताएंगे। पद बता दीजिए। आशिक हुसैन और मैं उप निरीक्षक के पद पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।